इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल से लोगों के बीच संपर्क तो बढ़ा है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इंटरनेट पर कई कंटेंट ऐसे हैं जो नाबालिग बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। इनमें से एक है पोर्नोग्राफी। बच्चों को पोर्न देखने की लत में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में 3 करोड़ बच्चे और 7 करोड़ वयस्क पोर्न की लत के शिकार हैं और नाबालिगों में यह लत उन्हें हिंसक बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ मानसी सिंह। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 10 साल की मासूम बच्ची भी इसका शिकार बनी है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां दुर्ग संभाग के बेमेतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में 26 नवंबर को 10 वर्षीय बच्ची की लाश उसी के घर के फंदे पर लटकती मिली थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से सनसनीखेज खुलासा किया गया है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल सोमवार रात मामले की जांच के दौरान पुलिस आरोपी लड़के को लेकर घटनास्थल पहुंची, जहां इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। क्राइम सीन रिक्रिएट कर पुलिस ने पूरे घटना को बारीकी से समझकर पीड़ित परिजन से बातचीत की। थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज ने बताया कि जांच के दौरान क्राइम सीन रिक्रिएट से मामले का खुलासा हुआ। मामले की जांच अभी भी जारी है। पुलिस के मुताबिक घटना 26 नवंबर की दोपहर 12 से 1 बजे के बीच की है, जिसमें 10 साल की लड़की अपने मामा के 1 साल की बेटी के साथ घर में अकेली थी। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसी दौरान उसी गांव का एक लड़का छत के जरिए घर के अंदर घुस जाता है और 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। बच्ची के शोर मचाने पर उस लड़के ने जबरन उसका मुँह बंद कर दिया, जिससे वह बदहवास हो गई। गाँव वालों इसकी खबर ना पता चलने के डर से लड़के ने पहले तो उस नाबालिग लड़की को गला दबाकर मार डाला। उसके बाद घर में रखे दुपट्टे से फंदा बनाकर बरामदे में लटक रहे बांस से फांसी पर लटका दिया, ताकि सबको लगे कि बच्ची ने अपने आप को फांसी पर लगाकर खुदकुशी कर ली है। अब हम जानते हैं कि पुलिस ने कैसे इस मर्डर एंगल को ढूंढा। दरअसल क्राइम सीन को देखकर ही पुलिस को हत्या का संदेह हुआ था। बच्ची की ऊंचाई करीब 4 फीट की थी, जबकि बरामदे में जिस बांस से झूलना पर लाश लटक रही थी उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट थी। फंदे पर लटकी बच्ची की दोनों हथेलियां खुली थी, जबकि आमतौर पर देखा जाता है कि खुद फांसी लगाने पर मुट्ठी बंद और उंगलियां मुड़ी रहती है। इस आधार पर पुलिस ने मर्डर एंगल की जाँच करनी शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि वारदात के समय मृतक के मामा की 1 साल की बेटी घर में ही थी। आरोपी लड़के ने उस बच्ची को घर के अंदर दरवाजे के पास लेटा दिया और पीछे के रास्ते से जहां से वह आया था वहीं से फरार हो गया। छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए। तब घर में लोगों ने बच्चे की लाश फंदे पर झूलती देखी। घटना के दिन मृतका की नानी और मामी खेत में काम करने गई थी। नाना और मामा भी अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। फिलहाल आरोपी लड़के को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी पर भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है कि हम छत्तीसगढ़ वासियों का सौभाग्य है कि संयोग से झारखंड पुलिस अभी यहीं है। उनसे इस घटना की जांच करा दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस को आपके द्वारा निर्देशित कामों से फुर्सत नहीं है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए और बने रहिए आरजे न्यूज़ के साथ।